and have paid the ultimate obeisance to the Almighty God. आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत और अभिनंदन. और आचार्य जी, आपने मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद विकास जी. आचार्य भार्गव जी के बारे में और डॉक्टर सोनकार जी के बारे में आपने जो उद्बोधन दिया वो कोई एग्जेजरेशन नहीं था. वास्तव में हम लेजेंडरी व्यक्तित्वों के सम्मुख उपस्थित हैं. आज का ये जो दो कार्यक्रमों में पहला कार्यक्रम है आचार्य दयानंद जी भार्गव द्वारा सदानंद रचित वेदांत सार के नवनीत भाष्य का लोकार्पण. वेदांत सार की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और भार्गव साहब ने उस पर नवनीत भाष्य लिखा है. मैं आचार्य श्री से निवेदन करता हूं कि वे अपना आत्मकथ्य प्रस्तुत करें. बंदी जगत को मेरे इस प्रतिष्ठित मंच पर दाएं बाएं उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वत सामने बैठे हुए गुणग्राही सभ्य नागरिक बंधुओं, मित्रों, जैसे विकास जी ने ऐसी एक कथा है स्वागत करने की, कुछ बढ़ा चढ़ा कर बात की ही जाती है, ये कोई नई बात नहीं है. लेकिन मैं आज इस अवसर पर जितना उन्होंने कहा उससे भी बड़ी एक बात अपने बारे में कहना चाहता हूं. और वो बात ये है कि गीता की कक्षाएं हमारी चला करती थी. एक सज्जन गांव के जो हिंदी भी मुश्किल से बोल पाते थे उस कक्षा में आया करते थे. किस गांव से आते थे मुझे मालूम नहीं. ये मेरी भगवत गीता का जो भाष्य है ये जितने श्रोता थे सबको दिया गया, उन्हें भी दिया गया. ये 600 पृष्ठ से कुछ अधिक है, A4 साइज में ले गए. कोई 3 महीने बाद वो मेरे पास आए कि सर ये जो श्रीमद् भगवत गीता का आपका विपुल भाष्य मुझे आपने छपा हुआ दिया है इसका एक एक अक्षर मैंने अपने हाथ से लिखकर तैयार कर दिया है, ये मेरे लिए, ये उनका हस्तलिखित है. आज के युग में, कंप्यूटर के युग में सर, जब 2 पंक्तियां भी लिखने में आदमी को आलस्य आता है, इस देश में ऐसे लोग हैं, ये देश की संस्कृति है. छपी हुई गीता ठीक है लेकिन उसका सम्मान करना, एक एक अक्षर हाथ से लिखना है. ये जो उन्होंने मुझे दिया, मुझे उनका नाम भी नहीं मालूम अब, ये वेदांत है, निष्काम कर्म कर दिया, नाम गांव का पता नहीं. उन्होंने जो ये मेरे लिए आए मेरे घर बैठे ये दिया और चले गए. सोचता रहा इस देश के ग्रामीण में ये श्रद्धा कहां से आई है. आप इसको देखें, एक एक सुअक्षर हाथ से लिखा हुआ कई कारखान में 700 से ऊपर पृष्ठ है. ये निष्ठा कहां से आती है, श्रद्धा कहां से आती है. इसलिए मैं कहता हूं कि जितनी बात मेरे बारे में कही गई उससे बड़ी बात यह है कि एक अध्यापक के नाते मुझे ऐसा छात्र भी मिला जिसने निष्काम भाव से ऐसा परिश्रम कर मुझे दिया. मित्रों, एक वेद है और एक वेदांत है. हम
अब लोग प्राय इस बात को समझ नहीं पा रहे कि दो क्या मुसीबत है, एक का नाम वेद है दूसरे का वेदांत है। सीधी बात यह है कि यह अस्तित्व दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग वो है जिसे हम देखते हैं और एक भाग वो है जो देखता है। जिसे हम देखते हैं वो वेद है और जो देखता है वो वेदांत है। जो दिखाई देता है वो हमारे काम में आता है, इसलिए उसके प्रति हमारा सहज आकर्षण होता है। और इसलिए हम वेद में अटके रह जाते हैं, वेदांत तक नहीं जा पाते, क्योंकि जो बाहर का जगत है उसमें रूप रस गंध है, आंख नाक कान का विषय है। ये आंख नाक कान का विषय, इंद्रियों का विषय हमें बहिर्जगत में तो खींच कर ले जाता है, और बहिर्जगत में आनंद भी है, रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था भी है, सत्व रजस तमस भी है, स्पर्श रूप रस गंध भी है। आप एक रथ का चित्र देखेंगे, ये एक लाक्षणिक चित्र है। किस तरह अंतर जगत और बहिर्जगत में संघर्ष चल रहा है। ये रथ है, इस रथ में जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, और जो लगाम है वो मन है, और जो सारथी ड्राइवर है वो बुद्धि है। शरीर रथ है और इस रथ का जो मालिक है, स्वामी है, वो आत्मा है। आप इस रथ को देखें क्या घटित हो रहा है। घोड़ों का मुंह किधर है? बाहर की तरफ, रथ के स्वामी की तरफ नहीं है, रथ के स्वामी की तरफ पीठ है। घोड़ों का सारथी का मुंह किधर? मालिक की तरफ नहीं है। ये हमारी इंद्रियों और मन की विवशता है कि जो इनका मालिक है, रथ का मालिक है, शरीर के रथ का मालिक है, उसकी तरफ हमने पीठ करी हुई है, घोड़ों ने भी सारथी ने भी। और जो जो हमारा कुछ भी नहीं है, केवल हरी घास और जंगल है, उसकी तरफ घोड़े का भी मुंह है, सारथी का भी मुंह है। ये जो घोड़े और सारथी हैं, मन और शरीर हैं, ये वेद का विषय है। इसे आजकल हम जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन कहते हैं, व्यवसाय मूलक, नौकरी लगा सके। मित्रों, वो सारी विद्या वेद विद्या है। आप कहेंगे वेद तो चार है, सारी विद्याओं को क्या मेडिकल साइंस का क्या हुआ? आयुर्वेद है। रसायन का क्या हुआ? भौतिक का क्या हुआ? तो एक वक्तव्य दे दिया, अनंतावय वेदा, जितनी ज्ञान की शाखाएं मनुष्य के जीवन के रोटी कपड़े मकान को मुहैया करवा दें, वो सब की सब शाखाएं वेद है। लेकिन जो अंदर का जगत है उससे रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिलता, जॉब भी नहीं मिलता, जॉब ओरिएंटेड है ही नहीं। आत्मा के ज्ञान से क्या उपयोग होगा? रोटी मिलेगी, ब्रह्म ज्ञान से कुछ मिलेगा, अंदर के ज्ञान से कुछ, अपने को जानने से कुछ मिलेगा, मेडिकल साइंस जानने से मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, संस्कृत जानने से मिल जाएगी, कृषि विज्ञान जानने से मिल जाएगी, राजनीति जानने से मिल जाएगी, आत्मा की जानने से मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये आप देख ले, जो उपयोगी है वो सब वेद का विषय है, तो जो अनुपयोगी है वो क्या हुआ? वो उपयोग में नहीं आता है, योग में आता है, वो हमें जोड़ता है। उपयोग एक बात है, उपयोग हमें रोटी कपड़े मकान से जोड़ता है, योग एक बात है, वो हमें अपने से जोड़ता है।
वेदांत का लाभ क्या हुआ? अपने से जुड़े, अपने को जाना। और मित्रों एक बात समझ लो, ये मेरा जो कार्यक्रम है इसका नाम रख रखा है आत्म तथ्य, मानो मैं अपने बारे में कुछ कहूं। एक बात मैंने अपने 89 वर्ष के जीवन में समझ ली, अगर हमने अपने को नहीं जाना है तो सारे संसार को जान लिया कोई मतलब नहीं निकलता। संसार तो मेरे लिए है ना, मुझे यही पता नहीं कि किसके लिए मुझे चाहिए पैसा, किसके लिए चाहिए मुझे कुर्सी, उसकी ही ठीक पहचान नहीं है तो कुर्सी भी बेकार हो जाती है, पैसा भी बेकार। ये वेद का अंत है, यानी जहां जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन समाप्त होती है वहां आत्म साक्षात्कार की, अपने को पहचानने की, इन शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं है, आत्म साक्षात्कार वगैरह अंतर का जो मेरा जगत है, बाहर का सारा जगत ये प्रभावित नहीं करता है। जब तक वो बाहर का जगत मेरी इंद्रियों के माध्यम से, भैया मुझे पकड़ना है क्या इसको हाथ से, जब तक इंद्रियों के माध्यम से वो बाहर का जगत मन तक न पहुंच जाए। ये फूल मेरे सामने है, जरा विचार करें, फूल को देखकर आनंद, आनंद कहां है? फूल में है कि मेरे अंदर है? इस बात का हमें ध्यान ही नहीं है। तुम फूल को क्या नहीं बके लगे हुए हैं कि फूल में आनंद आएगा, फूल में आनंद है ही नहीं। ये बाहर जगत का जो पदार्थ है फूल, ये तक इंद्रिय के माध्यम से मन तक न पहुंच जाए तब तक न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। अब ये जो बाहर से अंदर जाने की बात संक्षेप में मैंने कह दी आप लोगों से, इसको भी जरा सा समझना चाहिए। पांच वस्त्र हैं इस पुरुष के, पुरुष ये वस्त्र नहीं है, ये वस्त्र इस पुरुष के आवरण है, इसे ढके हुए हैं। इसमें पांच तरह के वस्त्र मैंने पहनाए हुए दिखला दिया व्यक्ति को, क्योंकि पांच ही आवरण है। मेरे अपने को जानने में जो ढक्कन है, ढकना है, कवरिंग, वो पहला ये स्थूल शरीर है जो अन्न से बना है, दूसरा प्राण है, वाइटल एनर्जी है, तीसरा मन है, मेंटल एनर्जी है, चौथा विज्ञान है, इंटेलिजेंस है, और पांचवा आनंद है, ब्लिसफुलनेस है। ध्यान करें, ये जो आनंद है ये वो आनंद नहीं है जिस आनंद की चर्चा वेदांत की किया करते हैं, ये वो आनंद है जो भोग विलास में आता है, और ये आनंद आखिरी ढक्कन है जो वास्तविकता को छिपाए हुए है। तो जिस तरह ये पांच वस्त्र ये व्यक्ति नहीं है, ऐसे ही शरीर, प्राण, मन, उसका नाम रख रखा है विज्ञान और आनंद, ये पांचों के पांचों मैं नहीं हूं। ये बाहर जगत है, ये भी ये बाहर का जगत है, ये अंदर का जगत नहीं है। अंदर का जगत इन पांचों से ढका हुआ है। इस सारे ज्ञान का मैंने कह दिया उपयोग कुछ नहीं, योग है, उपयोग तो नहीं है पर योग है। क्या योग है? तीसरा चित्र ले ले, योग ये है, समत्तम योग को उच्चते, के जीवन में व्यक्ति विचलित न हो, ये इसका उपयोग है। आप कहेंगे ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जब मैंने देख लिया कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये मैं नहीं हूं, तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में होने वाले विकार, चाहे वो सुख रूप हो चाहे वो दुख रूप हो, उनमें मैं प्रभावित नहीं होता, समभाव रखता हूं। और गीता ने एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक कह दिया, उस श्लोक को पढ़कर और उसका उच्चारण अर्थ करके अपनी वाणी को विराम दूंगा।
ये चित्र आप देख रहे हैं, एक चित्र में पहले में फूल और कांटा दोनों है, दूसरे में केवल फूल है, तीसरे में कांटा है, चौथे में ना फूल है ना कांटा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये चार स्थितियां बनी, और इन चार स्थितियों को सूर्य प्रकाशित कर रहा है, फूल और कांटे को भी, जहां फूल और कांटा नहीं है उसको भी, जहां केवल फूल है उसको भी, जहां केवल कांटा है उसको भी। ये फूल और कांटा अपनी जगह पर दुख और सुख देते हैं, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश इसे प्रकाशित कर रहा है, उसको फूल सामने आ जाए तो, कांटा सामने आ जाए तो, न सूर्य में कुछ घटता है न सूर्य में कुछ बढ़ता है, ये आत्मा की समता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थिति को, जिसको मैंने चित्र के माध्यम से थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश की, दो बातें कह दी। सुख दुख समय कृत्वा, लोग समझते हैं शायद धीरज रखना चाहिए, कि धीरज रखने का मामला नहीं है, ये मामला इस ज्ञान का है कि सुख दुख मुझे होते ही नहीं, धीरज किस बात का। कांटे के होने से और फूल के होने से सूर्य को अंतर नहीं पड़ता, तो का सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय, हानि लाभ जय पराजय यश अपयश, ये मुझे स्पर्श नहीं करते, ये अंतर जगत, बहिर्जगत को ये स्पर्श करते हैं, अंतर जगत को ये नहीं करते। मैं अंतर जगत में रहूं तो ये मुझे स्पर्श नहीं करते, इस ज्ञान से, ये ज्ञान कांड है, वेदांत धर्म कांड नहीं है, इस ज्ञान मात्र से नैवम पापम अवाप्स्यसि, आदमी का पाप से छुटकारा हो जाता है, इतने ज्ञान मात्र। आप ध्यान करें, जितने पाप पुण्य होते हैं ना, वो सबके पीछे मोटिवेशन सुख दुख जय पराजय का लगा रहता है, अनुकूलता प्रतिकूलता का मोटिवेशन लगा रहता है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता मुझे स्पर्श ही नहीं करती, तो पाप और पुण्य का मोटिवेशन ही हट गया, तो पाप भी हट गया, पुण्य भी हट गया, तो फिर कुछ भी नहीं करना, निठल्ले होकर बैठ जाओ। बहुत से लोगों ने इसका ये अर्थ भी समझ लिया है, लेकिन भगवान कृष्ण तो ऐसा नहीं कहते। ततो युद्धाय युद्धस्तु, ये कर्म और ज्ञान का समन्वय देखें, ज्ञान का ये फलित हुआ कि जय पराजय यश अपयश लाभ हानि से मैं प्रभावित नहीं होता, और इसका यह अर्थ हुआ कि ऐसी स्थिति में रहने वाला व्यक्ति जो सुख दुख लाभ हानि से प्रभावित नहीं होता है, वो यदि युद्ध करेगा, संसार के अंदर संघर्ष करेगा, तो धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश। ऐसा व्यक्ति चाहिए। हम सभी कहते हैं हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, जितना कर रहे हैं बढ़िया ही है, घटिया नहीं है, देश की सेवा कर रहे हैं बढ़िया ही है, घटिया बात नहीं है, लेकिन भगवान ने शर्त लगा दी, सेवा में भी पाप पुण्य लग सकता है, पाप पुण्य तभी लगेगा जब आप दुख सुख में संभाव रह सके, संभाव रह सके। तो मैं बोलने को कह रहा हूं, कहना ये चाहिए कि जब हमें जान लें कि सुख दुख हमें प्रभावित करता ही नहीं है, ज्ञान कांड कर्म कांड नहीं, ये वेदांत है। वेद आपको कहेगा सुख में घमंड मत करना, ये कर्म कांड हो गया, दुख में विचलित मत होना, ये ड्यूटी हो गई, डूज एंड डोंट। ज्ञान कांड ये नहीं कहता, ज्ञान कांड कहना समझ लेना, जान लेना सुख और दुख आपको प्रभावित करते ही नहीं है, ये वेद का अंत हुआ, कर्म कांड का अंत हुआ ज्ञान कांड में। इसलिए इसे वेद का अंत इसलिए भी कहा जाता है कि वेद के अंत में आता है, इसलिए भी इसे वेदांत कहते हैं। मित्रों, ये वेदांत इस देश की बहुमूल्य संपत्ति है। एक संस्कृत का विनम छात्र होने के नाते मैंने हमेशा ये जाना और पहचाना, गीता पर भी लिखा, उपनिषद पर भी लिखा है, वेदांत की अब वेदांत सार पर लिखा, पंचदर्शी पर लिखने का इरादा है, भगवान की देशी इच्छा होती कि जो कुछ मेरी झोली में संस्कृत माता ने डाला है उसे जरा बखेर, ये मेरा अपना है,
और एक बात आपको बता दूं, आगे और भी अभी मुझे बोलने का अवसर होगा तब और बात। जैसे जैसे भौतिक विकास होता है उसके प्रपोर्शन में वैसा ही वैसा आध्यात्मिक विकास न हो तो वो भौतिक विकास विकास नहीं होता, विनाश बन जाता। इसलिए तो लोग धर्म और दर्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें भी ये समझना होगा, आर्थिक विकास होगा, राजनीतिक सामाजिक सब तरह के विकास होंगे, उसके साथ साथ समानांतर पैरल अध्यात्म का भी विकास होना चाहिए। ये मैं अपना कर्तव्य अनुभव करता हूँ यथाशक्ति भगवान की कृपा से। मैं अभी किसी से कह रहा था कि भाई मेरे तो अब शरीर में हड्डियां ही रह गई और कुछ रहा ही नहीं, एक दर्दी की ऋषि थे उनकी हड्डियां ही रह गई, भगवान की कृपा है। जैसा मैं किसी भी समय 5-6-7 घंटे पढ़ लेता था लिख लेता था वैसा ही 5-6-7 घंटे पढ़ना लिखना है मेरा निर्विघ्न रूप से चालू है। ये भगवान की कृपा है, आप उसकी मंगल कामनाएं हैं मेरी। लेकिन आप अगर ये पूछे, मैंने बहुत लंबी चौड़ी बातें कर दी, मैसेज क्या है वेदांत का सर, तो मैसेज ये जान लो कि संसार के विकार आत्मा का स्पर्श नहीं करते, बुढ़ापा रोग और मृत्यु आत्मा का स्पर्श नहीं करती, गीता चालू ही आती है। संसार का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान की वृद्धि करे और ज्ञान का नाश करे। आप लोगों ने मेरी बातों को जो बातें मैं जानता हूं बहुत रोचक नहीं हुआ था, इसलिए धैर्य से सुना है, आपका आभारी। और डॉक्टर स्वर्णकार के संबंध में अभी कुछ इसलिए नहीं कहूंगा तो उत्तरार्ध में कहना भी बात करूं, और कैसे ये वेदांत और डॉक्टर स्वर्णकार का तुक क्या है दोनों का आपस में मिलाने का, वो भी आपसे निवेदन करूं। वेदांत जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है डॉक्टर एम एल स्वर्णकार उसे व्यवहार में घटित कर रहे हैं, ये दोनों का संबंध। तो वैसी दो चीजें आपस में नहीं जुड़ गई है, इनका आपस में जोड़ है, एक छोरी है एक प्रैक्टिकल है। वेदांत तो किताब है ना, उसमें तो छोरी है, प्रैक्टिकल तो मनुष्य में दिखेगा ना, किताब में थोड़ा ही प्रैक्टिकल दिखेगा। ऐसा एक मनुष्य है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी तो अवस्थी जी, मैंने घड़ी रक्तोली पर देखी नहीं, पता नहीं कम ज्यादा कितना हुआ, आप आगे का जो भी कार्यक्रम हो बताए। हम उपकृत हुए आचार्य श्री के उद्बोधन से, ये लगता तो ऐसा था कि आत्मस्तुति है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा आत्मकथ्य है, लेकिन ये वास्तव में आत्मा की स्तुति थी, उनकी पर्सनल व्यक्तिगत स्तुति नहीं थी। और भार्गव साहब ने जिस तरह का जीवन जिया है 79 से मैं देख रहा हूँ, और मुझे सौभाग्य है कि मैं उनका विद्यार्थी हूं। आज जिस प्रथम कार्यक्रम के लिए हम एकत्रित हुए हैं वो है वेदांत सार के ऊपर जो भार्गव साहब ने भाष्य लिखा है, नवनीत भाष्य उसका नाम दिया है। उसका परिचय आपसे कराने के लिए मुझे आदेश दिया गया है आचार्य श्री के द्वारा, लेकिन उसके बारे में कुछ कहने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वेदांत सार की या नवनीत भाष्य की बात यहाँ होगी उसके श्रवण का भी अधिकारी मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेदांत सार खुद कह रही है। वेदांत सार में वेदांत के अधिकारी का जो लक्षण किया है उस लक्षण को यदि आप पढ़ेंगे, इस पुस्तक में ही है, उस लक्षण में पढ़ेंगे तो आप उसमें लिखा है कि वेदांत का अधिकारी वो है जिसने वेद वेदांग का पूर्णतः अर्थ सहित अध्ययन कर लिया हो, या तो इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जिसने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना ये सारे कर्म कर लिए हो, और उस कर्मों के द्वारा जिसका जो अंतःकरण है
वो नितांत निर्मल हो गया है, ऐसा अंतकरण वाला और साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है वो वेदांत का अधिकारी है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं उसका अधिकारी नहीं हूं। लेकिन भार्गव साहब ने इसको प्रस्तुत करने के लिए मुझे जो कहा वो केवल उनकी अहेतु की कृपा है और मेरी अनधिकार चेष्टा है। कृपया उसमें कुछ गलती हो तो उसके लिए आप क्षमा करें। वेदांत सार जो पुस्तक है वो एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें वेदांत का अधिकारी, जीव और ब्रह्म की एकता, अध्यारोप, अपवाद, ये सब टेक्निकल शब्द आपको लगेंगे, लेकिन जब इसको आप पुस्तक में पढ़ेंगे और भार्गव साहब की व्याख्या पढ़ेंगे तो ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सारे जो अहम ब्रह्मास्मि तक की यात्रा और उसके बाद जीवन मुक्त का जीवन कैसा होता है, ये सारी बातें वेदांत सार में कही गई है संस्कृत में। आचार्य श्री ने उस वेदांत सार के अनेक भाष्य हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सब में हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी भाषा को ही अपना माध्यम बनाया उस वेदांत सार को समझाने के लिए। और नवनीत भाष्य की जो विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं मैं आपके सामने रख रहा हूं। अन्य भाष्य जहां वेदांत सार के विषय को स्पष्ट करते हुए, क्योंकि ये पुस्तक एमए में, बीए में, कहीं कॉलेजों में भी लगी हुई है, इसलिए ज्यादातर भाष्य परीक्षा के दृष्टि से परीक्षोपयोगी बनाए गए हैं, लेकिन भार्गव साहब ने इसे सर्वजन हिताय प्रस्तुत किया है और वो भी हिंदी भाषा में। आचार्य श्री ने यह ध्यान रखा है कि वेदांत का पाठक जीवन का रूपांतरण करने में भी सक्षम हो। नवनीत भाष्य के मंगलाचरण और अनुबंध चतुष्टय के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो जाती है, आप जब उसको देखेंगे। आचार्य श्री ने अपने भाष्य में यह भी ध्यान रखा है कि केवल व्यावहारिक जीवन ही समाजोपयोगी न हो अपितु आध्यात्मिक दृष्टि से भी समुन्नत होकर जीवन मुक्त स्थिति में हम आरूढ़ हो जाएं, इस बात का भी इन्होंने ध्यान रखा है। जहां तक आचार्य श्री की लेखन शैली का प्रश्न है, उनकी यह दिवाजी आपकी आई इस जग की इतनी कहानी है, इस जग की इतनी कहानी, रमता जोगी बहता पानी है, इस जग कहानी, धरती के संग चलता अंबर, नदियों के संग सागर, चंदा सूरज के संग चलते समय की धारा। डॉक्टर स्वर्णकार जी से निवेदन है कि वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। परम पूजनीय आचार्य दयानंद भार्गव जी,
डॉक्टर विकास सोनकर, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर अचल गुलाटी जी, हमारे फाउंडर वाइस चांसलर डॉक्टर हरि गौतम जी, मेरे मित्र और बड़े भ्रातातुल्य डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, डॉक्टर भवानी शर्मा जी, मेरे छोटे भ्राता राम रतन सोनी जी, मेरी धर्मपत्नी मीना स्वर्णकार जी, डॉक्टर शोभित, मेरे परिवार के सारे सदस्य, हमारे संस्थान के सारे सदस्य, फैकल्टी मेंबर्स, हमारे समधी यहाँ बैठे हुए हैं श्री कृष्ण कांत जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे मित्र बचपन के सखा बाल सखा मदन मोहन जी भी बैठे हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जहाँ तक ये वेदांत सार में मुझे उद्बोधन के लिए बोला गया है, तो पहली बात तो यह है कि वेद में हरेक का अधिकार नहीं है, जैसा नरेंद्र अवस्थी जी ने बताया। वेद विद्वानों की चीज है, जो रियल ब्राह्मण है उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त है। मैं ब्राह्मण या कोई जन्म से नहीं कह रहा, कर्म और गुण के हिसाब से कह रहा हूं। के लिए आपके पास वो एलिजिबिलिटी और वो क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, तब जाके इन चीजों को समझ पाते हैं। जितने आप उपनिषद देखते हैं, चाहे वो मंडूक उपनिषद हो, ईश उपनिषद हो, बहुत उपनिषद है, वो सब एक तरह से वेदों का सार है, वेदांत है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं जो उसमें दिए गए हैं। और जब तक इस पर भगवान की कृपा नहीं हो, ये आपको समझ में नहीं आता है। जैसा कि आचार्य जी ने चित्रों में बताया, मैं थोड़ी सी इसमें कोशिश करूंगा आचार्य जी आपसे इस चीज को, जिससे लोगों तक ये पहुंच सके। ये जान की मंगल से मैं आपको इन श्रोताओं की इस बात का, जो मन है वो ताड़का जैसे जो राक्षसनी थी, कहीं भी चली जाती थी, किसी को भी मार देती थी, उसका बहुत चंचल वो था, तो वो किससे मरी? भगवान राम का मन है वो ताड़का है। बुद्धि जड़ होती है, और इसीलिए भगवान से प्रार्थना की जाती है, जैसे गायत्री मंत्र है या बाकी जितने भी मंत्र हैं, कि मैं निर्मल मति पाऊं, जनक सुता जग जननी जान की, अत से प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मत पाऊं। वो बुद्धि निर्मल होनी चाहिए, अदरवाइज बुद्धि हमेशा मन जिधर चाहेगा उधर वो बुद्धि खिंच जाएगी। तो जब अहिल्या जी श्राप बस, गौतम ऋषि के श्राप बस पत्थर हो गई थी, जड़ हो गई थी, तो भगवान ने अपने चरण की रज लगा दी, भगवान राम ने, और वो जीवित हो गई, स्त्री द्वारा अपना पूर्ण सौंदर्य प्राप्त कर लिया, बुद्धि फिर जागृत हो गई। किससे हुई? भगवान राम की रज से। चित्त जो है वो आकर्षण करता है, वो विष्णु भगवान का स्वरूप है, बहुत आकर्षण है उसमें। शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग वीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम। इतनी अद्भुत विशाल उनकी सुंदरता है। और जो धनुष है, शिव जी का जो धनुष है, क्योंकि उसका नाम शिव धनुष है, शिव मीन्स कल्याणकारी, और बहुत विशाल धनुष है, उसको भी किसने तोड़ा? भगवान राम ने तोड़ा। तो आप में अहंकार आ जाता है कि मैंने एक बड़े कल्याणकारी कार्य किए, मैं इतने कॉलेज खोले, अस्पताल खोले, बड़े बड़े समाज के लिए काम किए, और ये अहंकार आपको मार देता है। उस पर भी जब
राम की कृपा होती है तभी वो अहंकार टूट पाता है। तो चाहे आपका मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, ये जब तक नहीं जाते जब तक भगवान राम की या ईश्वर की कृपा नहीं हो, जो भगवत गीता में कहा है परम दृष्टवा निवर्तते, जब ईश्वर की दया हो जाती है तब ये ज्ञान गम ये चीजें समझ में आने लग जाती हैं। हम तो बड़े अल्पज्ञ आचार्य जी, आपसे थोड़ा बहुत यही चीजें सुनते रहते हैं। मैं रामचरितमानस के बारे में, क्योंकि आचार्य जी ने मुझे आदेश दिया है 4-5 दिन पहले कि आप थोड़ा रामचरितमानस जब भी बातें करते हो कुछ ना कुछ दुआ सुना देते हो डॉक्टर साहब, तो वो मैं बाद में करूँगा, पर ये आज इतना अच्छा है। और इनकी एक किताब नहीं है, ये इनकी 40-50 किताबें हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। ये एमए में उस अंग्रेजों के जमाने के इंग्लिश में एमए किए हुए हैं, कॉमर्स में है, संस्कृत में है, बड़े प्रकांड विद्वान हैं। जैसे भी डॉक्टर विकास जी ने बताया कि ये पीढ़ियां हम याद रखेंगे हमने डॉक्टर दयानंद भार्गव जी को देखा था, ये बिल्कुल वास्तविकता है। तो हमें बड़ा सौभाग्य है, स्पेशली मेरे को तो बहुत सौभाग्य है कि मैं 10-15 साल से आपके सानिध्य में आया, थोड़ा बहुत आपसे भगवद गीता और बाकी ध्यान मेडिटेशन के बारे में सीखा। या तो मैं चला जाता हूँ, नहीं तो दयानंद जी भार्गव साहब मेरे घर आ जाते हैं, डॉक्टर साहब आपके ऊपर बहुत भार है, आप जब मेडिटेशन करो, ध्यान करो, दोबारा रिफ्रेश हो। तो मुझे बड़ी लज्जा भी आती है, पर बुलाते हैं तो मैं ही कोशिश करता हूँ कि मेरे पास भी रहते हैं अब तो फॉर्चुनेटली, और जाता हूँ और आपका आशीर्वाद पाता हूँ। इन्हीं के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने आज का दिन चुना मेरे जन्मदिन पे ये वेदांत सार का लोकार्पण किया, और मुझे लगता है कि जो भी जो इस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं कि वास्तव में जो अपने आप को जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं किस लिए इस संसार में आया हूँ, वो इन चीज़ों को जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर स्वर्णकार जी आपके पुस्तक के विमोचन के लिए और उद्बोधन के लिए। अब मैं डॉक्टर हनुमान सहाय जी से निवेदन करता हूँ कि एक सुंदर भजन प्रस्तुत करें। श्वास चली जाती है लेकिन मन की आस ना जाए, जीवन भर मनवा अपने को सपनों से बहलाए। बहती दुनिया में बह जाए दुनिया का हर प्राणी, है इस जग की इतनी कहानी, रमता जोगी बहता पानी, है इस जग इतनी कहानी। अजर अमर तो कोई नहीं है, क्षण भंगुर है सृष्टि, अजर अमर तो कोई नहीं है, क्षण भंगुर है उसको ही दिखता है जिसकी खुली हुई है दृष्टि। वेद पुराण सभी ग्रंथों में, वेद पुराण सभी ग्रंथों में लिखी हुई है ये वाणी, है इस जग
रमता जोगी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। डॉक्टर एम एल स्वर्णकार के जन्मदिवस के मौके पर यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भजन व राम गुणगान का कार्यक्रम, फिलहाल पुस्तक का विमोचन किया गया है। एवन टीवी के सीईओ उत्कर्ष लोढ़ा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डॉक्टर एम एल स्वर्णकार का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल एवं विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं एमनेस्टी चेयरपर्सन हैं डॉक्टर एम एल स्वर्णकार, जिनके जन्मदिवस के मौके पर यह विशेष कार्यक्रम, जिसकी सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डॉक्टर दयानंद भार्गव की पुस्तक का विमोचन किया गया है। सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहे मधुर फल जानो मुद्रिका मिल मुख माही जलद लागी गई अचरज नाह गम काज जगत के जीते सुगम जो सुमरे हनुमत बलवीरा
जो सत बार पाठ कर कोई झूठ ही बंद महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। वैसे ही आचार्य हनुमान साय जी जो बच्चे म्यूजिक में पीएचडी कर रहे हैं उनके टीचर हैं, टीचर्स के भी टीचर हैं, और इनकी हमारे ऊपर इतना अनुग्रह है कि वैदेही को अभी इन्होंने ये शास्त्रीय संगीत में और अपने जो क्लासिकल स्पेशली जो भक्ति मार्ग के गीत हैं वो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सिंसियरली ये सीख रही है, अभी तो यूरोप घूमने चले गए थे कल ही आए हैं पर द वे शी इज लर्निंग आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और फिर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहना चाहिए। थैंक यू। सबने डॉक्टर एम एल स्वर्णकार को बधाई दी थी, उनकी धर्मपत्नी किसी को रहेगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है, तो वहीं डॉक्टर एम एल स्वर्णकार के जन्मदिवस के मौके पर भजन व राम गुणगान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एवन टीवी के सीईओ उत्कर्ष लोढ़ा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का यह कार्यक्रम डॉक्टर एम एल स्वर्णकार का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर एम एल स्वर्णकार जिनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है।